हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाउंडेशन लर्निंग। आई एम मनीषा एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड पार्ट ऑफ टॉपिक सिलॉग। हम लोग सीए फाउंडेशन सीरीज़ के रीजनिंग वाले चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 4 चैप्टर्स को पूरा कंप्लीट कवर कर लिया था। ये हमारा लास्ट एंड फाइनल चैप्टर है। इसके बाद आपका जो रीजनिंग वाला जो सब्जेक्ट है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सिलॉग चैप्टर के हमने 2 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आप लोग अगर आप लोगों ने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप प्रीवियसली जो 2 लेक्चर्स हैं वो देखिए, उसके बाद ही आप इस पर कंटिन्यू कीजिएगा। एक बार हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ रिकैप देख लेते हैं। हमने सिलॉग का मीनिंग देखा था कि ये ग्रीक वर्ड है और इसका मीनिंग क्या होता है, टू डराइव कंक्लूजन फ्रॉम एनी गिवन सेंटेंस। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, इसमें आपको 2 स्टेटमेंट गिवन होंगे और 2 कंक्लूजन गिवन होंगे, ठीक है। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि उन स्टेटमेंट से क्या कंक्लूजन निकलता है, या तो फर्स्ट ट्रू है या सेकंड ट्रू है, या दोनों ट्रू है या दोनों ही ट्रू नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपको ऑप्शंस गिवन होंगे और उन ऑप्शंस को आपको देखते हुए आपको सॉल्व करना होता है। मैंने आपको बताया था इसमें 4 तरह के सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। जो हमने पहला वाला डिस्कस किया था वो कौन सा था, ऑल वाला, जिसमें हमने डिस्कस किया था ऑल ए इज बी। उसके बाद हमने देखा था, फर्स्ट हमारा था ऑल, सेकंड था हमारा नो, नो इज नो ए इज बी, फिर था हमारा सम वाला, और उसके बाद था हमारा सम नॉट, ठीक है। ये 4 जो बेसिक सेंटेंस थे जिनको हमने कहा था नाम प्रपोजिशंस, ये हमने पहले डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में। मैंने आपको बताया था कि ऑल में सेंटेंस आएंगे ऑल ए इज बी वाले, और इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल अफर्मेटिव। नो में हमारे आएंगे नो ए इज बी वाले, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल नेगेटिव। सम और सम नॉट, सम को हम कहते हैं पर्टिकुलर अफर्मेटिव और दिस इज पर्टिकुलर नेगेटिव, ठीक है। इसे हम अगर वेन डायग्राम की बात करें, मैंने बताया था आपको वेन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि कैसे हम सिलॉग को विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में आपको बताया भी था कि कैसे हमें वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। एक बार मैं अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा और बता दूंगी, जिससे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब ऑल वाले को हम क्या कहते थे यहाँ पे, ए टाइप, ठीक है। आपको याद करने के लिए मैंने ट्रिक बताई थी कि ए फॉर ऑल एंड ए फॉर ए। नो को हम कहते थे ई टाइप, और सम को हम कहते थे आई टाइप, और सम नॉट को हम कहते थे ओ टाइप, ठीक है। तो वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग ये 4 टाइप्स के हमारे स्टेटमेंट कह लीजिए या प्रपोजिशन बनते थे, ठीक है। अब उसके बाद कौन कौन से केसेस इसमें आते थे वो सब हमने डिस्कस किए थे हमारे लास्ट लेक्चर में। फिर जो सेकेंड पार्ट हमने बनाया था उसमें हमने देखे थे इन्फ्रेंसेस, मतलब जो कंक्लूजन हमारा निकल के आ रहा है वो कैसे निकल के आ रहा है और किस तरह से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने उसमें 2 चीज़ें देखी थी, इम्प्लीकेशन एंड कन्वर्जन, 2 तरीके से कैसे इम्प्लीकेशन में ऑल वाला सेंटेंस कौन से में कन्वर्ट होता है वो चीज़ हमने देखी थी, और कन्वर्जन में हम इन 4 को कैसे किसी और में कन्वर्ट करते हैं वो हमने देखा था। तो ये दोनों जो लेक्चर है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, प्लीज़ आप एक बार उन वीडियो को देखिएगा पूरा अच्छे से, उसके बाद ही इस पार्ट 3 को रेफर कीजिएगा, ठीक है। एक बार मैं आपको वेन डायग्राम और ब्रीफ में बता देती हूँ। देखिए, अगर ऑल वाला हमारा सेंटेंस आता है, फॉर एग्जांपल ऑल ए इज बी, तो उसका डायग्राम किस तरह से बनेगा। ऑल ए मतलब पहले हमने एक सर्कल बनाना है, दैट इज ए, यानी कि इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं वो सब ए से बिलोंग करते हैं। फिर क्योंकि जितने भी ए हैं वो सब बी हैं, तो बी हमारा आउटर सर्कल होगा, यानी कि ऑल ए इज बी, ठीक है। अब ऑल ए इज बी, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑल बी इज ए, ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ इसका मतलब ये है कि जितने भी ए हैं वो सब क्या है, बी है। इसलिए हमने ए को बी के अंदर लिया है, बी को ए के अंदर नहीं लिया, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑल का बनेगा इस तरह से डायग्राम। फिर अगर हमें बनाना है किसका, नो वाले का, तो नो वाले का देखिए ये हमारा बन गया एक डायग्राम ए, और अगर दूसरा हमारा है ये बी, तो आपको क्या करना है, सिंपली लाइन खींच के यहाँ पे क्रॉस कर देना है, राइट। तो ये डिनोट कर रहा है कि दैट इज नो ए इज बी, ओके। नाउ अगर हमें बनाना है सम का, तो सम के देखो बहुत तरीके से डायग्राम बन सकते हैं, डिपेंड करता है कि सेंटेंस क्या गिवन है, लेकिन जो बेसिक बनता है वो ये होता है कि आपका एक सर्किल हो गया ए, सम पार्ट ये एक ए है और एक हमने कहा बी है। अब हम कह रहे हैं कि ए का सम पार्ट बी है, तो वो सम पार्ट कौन सा है, ये वाला, यानी कि सम ए इज बी कह लीजिए या फिर सम बी इज ए कह लीजिए, राइट। नाउ लास्ट वन इज सम ए इज नॉट बी, तो देखिए इसका भी बहुत तरीके से बन सकता है, लेकिन जो हम लोग प्रेफर करने वाले हैं वो ये है कि ये आपका हो गया ए, राइट। अब ए के बाद सम ए इज नॉट बी हमने ये कहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से बना के इसको यहाँ पे क्रॉस कर दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया सम ए इज नॉट बी, राइट। तो ये वेन डायग्राम के थ्रू हमें 4 तरह के देखने हैं, ऑल वाला, फिर ये नो, सम एंड सम नॉट,
ठीक है। चलिए अब आपके मॉड्यूल के जो अनसॉल्व क्वेश्चन है उनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, राइट। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बताया था मॉड्यूल में बहुत सारी मिस्टेक्स है, कई मिस्टेक्स तो मैंने आपके पार्ट वन एंड पार्ट टू में रिमूव करवा दी थी, तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा और आगे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। और इस वीडियो के बाद आप प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। देखिए सबसे पहले एक डायरेक्शन हम लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि सिलॉग में डायरेक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए इसमें क्या लिखा है, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंटेन टू स्टेटमेंट, ठीक है, फॉलोड बाय टू कंक्लूजन। मतलब आपको दो स्टेटमेंट गिवन होंगे और दो कंक्लूजन गिवन होंगे। यू हैव टू कंसिडर द टू स्टेटमेंट टू बी ट्रू इवन इफ दे सीम टू बी एट वेरियंस एट द कॉमनली नोन फैक्ट्स। यू हैव टू डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन डेफिनेटली फॉलोज फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। मतलब इन स्टेटमेंट में से कौन सा कंक्लूजन जो है वो फॉलो होगा, मतलब कौन सा जो है करेक्ट होगा वो हमें आइडेंटिफाई करना है। अब आंसर्स में हमें ऑप्शन आएंगे ए बी सी डी ई, राइट। अच्छा एक चीज़ देखिएगा, जनरली हमें ऑप्शन मिलते हैं ए बी सी डी, लेकिन सिर्फ सिलॉग एक ऐसा है जिसमें हमें ई ऑप्शन भी अवेलेबल होता है समटाइम, ओके। तो ये देख लीजिएगा क्वेश्चन में कि ए बी सी डी ई में क्या क्या स्टेटमेंट है, इन क्योंकि कई बार होता है जैसे यहाँ पे देखिए सी क्या है, इफ आइदर फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, तो कई बार ये जो है सी वाला ये मिलता है हमें ई में। तो एक बार आप पहले जो आंसर्स हैं ऑप्शंस हैं उनको ढंग से पढ़िएगा, उसके बाद ही जवाब दीजिएगा, राइट। तो देखिए एक बार ऑप्शन फर्स्ट क्या है, इफ ए फॉलोज, सेकंड इज इफ बी फॉलोज, सॉरी इफ सेकंड फॉलोज, सी इज इफ आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, मतलब दोनों में से कोई एक हो, और फोर्थ वन इज इफ नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, दोनों में से कोई भी नहीं, और अगर दोनों फॉलो होते हैं तो हम लोग ई ऑप्शन को टिक करेंगे। आप लोग याद रखिएगा ए बी सी डी ई, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या गिवन है, सम चेयर्स आर ग्लासेस, ठीक है। हमें कैसे सॉल्व करना है, जैसे जैसे स्टेटमेंट गिवन है वैसे वैसे हमें वेन डायग्राम बनाना है। अभी हमें कंक्लूजन पे फोकस नहीं करना, हमें जस्ट अपने वेन डायग्राम पे फोकस करना है। तो मैंने क्या बताया था, सम वाला, तो ये सम हमारा हो गया क्या, चेयर्स, ये हमने सी एच लिख दिया फॉर चेयर, एंड ये क्या है, ग्लासेस है, तो ये हमारा हो गया ग्लास, ठीक है। सम का डायग्राम इस तरह से बताया था हमने, ये हमारा सम का पोर्शन हो गया। देन ऑल ट्रीज आर चेयर, अब जितने भी ट्री है वो क्या है, चेयर है, तो ऑल का डायग्राम किस तरह से बनता है, ये अपना ट्री बनेगा, और क्योंकि ऑल ट्री चेयर है तो ये चेयर बनेगा। अब दो अलग अलग स्टेटमेंट को हमें मर्ज करना है, ठीक है, एक ही में, तो फर्स्ट का डायग्राम ये है, सेकंड का डायग्राम ये है। अब चेयर तो हमें दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, हमें अगर मर्ज करना है तो ये जो डायग्राम है इसके साथ ही हमें किसको लगाना पड़ेगा, ग्लास को भी, या फिर इसमें आप ट्री को लगाइए, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ले रही हूँ और इसमें मैं ग्लास को इंक्लूड कर रही हूँ, मतलब यहाँ पे मैंने ये ग्लास जो है लगा दिया, मतलब एक बार के लिए इसको आप स्किप कर दीजिए, और दोनों स्टेटमेंट का जो कॉमन डायग्राम बनाया मैंने वो ये बनाया। कैसे, फर्स्ट स्टेटमेंट है सम चेयर्स आर ग्लासेस, तो ये हमारा पूरा सर्किल चेयर्स का हो गया, और ये हमारा सर्किल हो गया ग्लास का। देन ऑल ट्रीज आर चेयर्स, ये ट्री ऑल वाला इसके अंदर आएगा और ये हमारा चेयर हो गया। समझ में आ गया होगा वेन डायग्राम। अब देखिए इससे कंक्लूजन क्या क्या निकलता है, जो फर्स्ट कंक्लूजन गिवन है वो है सम ट्रीज आर ग्लासेस, सम ट्रीज आर ग्लासेस, ये हम श्योर नहीं है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा अब इस केस में तो आपको लग रहा है कि नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से बनाऊं कि ये हमारा ट्री हो गया और ये हमारा ग्लास हो गया, सॉरी चेयर हो गया, और अगर मैंने ग्लास को इस तरह से बना दिया तो ये हमारा ट्री वाला कॉमन पोर्शन हो जाएगा, तो उस केस में ये ट्रू हो जाएगा, लेकिन श्योरिटी नहीं है, ये पॉसिबल केस हो गया, लेकिन अगर इस तरह से हुआ तो हम इसको लेके श्योर नहीं है, ठीक है। फिर देखिए सम ग्लासेस आर ट्री, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट ही है, सम ट्री आर ग्लासेस अगर ट्रू होगा तो ऑब्वियसली ये भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों के लिए हम श्योर नहीं है, इसलिए हम देखिए सिलॉग में हम वही ऑप्शन को टिक करते हैं, वही कंक्लूजन को राइट मानते हैं जिसके लिए हम 100% करेक्ट होता है, जो 100% श्योर होता है। हम कोई प्रोबेबली वाला केस नहीं लेते या फिर पॉसिबल वाला केस इसमें नहीं लेते, जहाँ भी हमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं गिवन है उसको हम नहीं लेते हैं। तो ये दोनों ही केस हमें क्या है, श्योर नहीं है, तो इसीलिए हम इसमें क्या टिक करेंगे, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो, मतलब ऑप्शन इज डी। देखिए यहाँ पे आंसर डी गिवन है, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। देखिए ये वैसे तो ट्रू हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है आप डायग्राम कैसा बना रहे हो। अब हमें जो डायग्राम लेना है वो लेना है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग,
अब स्टेटमेंट में ग्लास और ट्री के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन गिवन ही नहीं है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन नहीं बनाएंगे। जब तक स्टेटमेंट में ये चीज़ मेंशन नहीं होती है, तब तक हम लोग कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं बनाएंगे, ठीक है, विद इन एनी प्रेडिकेट और एनी सब्जेक्ट, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन नहीं बनाया और उसके अकॉर्डिंग हमारे दोनों स्टेटमेंट ही क्या हो गए, फॉल्स हो गए। तो हमने टिक किया नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोअर्स। क्लियर हो गया होगा आई होप। आगे और हम देखते हैं क्वेश्चन जिससे आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए सेकेंड वाला क्या कहता है, नो मैन इज लायन। नो वाला स्टेटमेंट है, नो के लिए हम क्या करते हैं, ये हमने बनाया अपना मैन और ये हमने बनाया लायन। अब नो है तो दोनों के बीच में लाइन और एक क्रॉस। राम इज अ मैन, राम क्या है, मैन है, तो हमने इसके अंदर क्या ले लिया, राम को बिठा दिया छोटे से, ठीक है। अब देखिए क्या ऑप्शन पूछा है, राम इज नॉट अ लायन, ऑब्वियसली दिख रहा है डायग्राम से, क्योंकि राम मैन है और मैन जो है लायन नहीं है, तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया। डायरेक्ट रिलेशन तो इनके बीच में नहीं था, लेकिन जो कंक्लूजन है वो हमें दिख रहा है कि ये ट्रू है वेन डायग्राम से। ऑल मैन आर नॉट राम, अब जितने भी मैन है वो राम नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैन तो और भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, रवि भी हो सकता है, मनोज भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑल मैन तो राम नहीं होंगे, ये गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलोज, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये देखिए यहाँ पे ए गिवन है, समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक ही केस बन रहा है, अगर जैसे पहले वाले में हमारे दो केस बन रहे थे लेकिन फिर हमने क्या देखा कि डायरेक्ट रिलेशन नहीं था, वैसे यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉसिबल केस बनता है, हमें राम को इसके अंदर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑल वाले होते हैं, राम इज अ मैन, इसको आप कह लीजिए ऑल राम इज अ मैन, तो हमें यही बनाना पड़ता, ठीक है। तो सिर्फ एक ही बन रहा है डायग्राम और उस एक डायग्राम से कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो हो रहा है, इसलिए हमने ऑप्शन टिक किया कंक्लूजन फर्स्ट, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको, मैंने बहुत डिटेल में और बहुत आराम से आपको समझाया है। फिर भी किसी को डाउट है तो पहले दो लेक्चर्स आप देखिए, जिसमें मैंने आपको सॉल्व एग्जाम्पल्स भी करवाए हैं, वेन डायग्राम कैसे बनता है वो बताए हैं, उसके बाद आप इसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखें थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, ऑल बॉयज आर फादर, जितने भी हमारे बॉय हैं वो क्या है, फादर है, तो ऑल बॉय हो गए और ये हमारा फादर हो गया, ठीक है। ऑल फादर्स आर मदर, अब जितने भी फादर हैं वो क्या है, मदर है, तो हमने एक और बाहर सर्किल बना दिया, वो हमारे हो गए मदर। कंक्लूजन देख लेते हैं, ये तो बहुत सिंपल सा ही हो गया डायग्राम इसका। देखिए ऑल फादर्स आर बॉयज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बॉय इसके अंदर है, तो ये हमारा हो गया गलत। सेकेंड वन इज ऑल बॉयज आर मदर, दिख रहा है हमें ये बॉय है और ये मदर है, तो जितने भी बॉय होंगे वो मदर के अंदर है, तो ऑब्वियसली ट्रू हो गया ये स्टेटमेंट, तो ओनली सेकेंड ट्रू है, तो आएगा ऑप्शन बी, ओनली सेकेंड फॉलोज। देखिए यहाँ पे बी है, राइट, समझ में आ गया होगा, ये वाला तो बहुत ही सिंपल है। देखिए फिर फोर्थ देखते हैं, ऑल पेन्स आर कप्स, जितने भी हमारे पेन हैं वो क्या है, कप है, तो ये हमने बना दिया यहाँ पे कप। फिर ऑल कप्स आर बॉल्स, सेम डायग्राम बनेगा जैसे ऊपर वाले का बना है, जितने भी कप है वो हमारे बाउल्स हैं, राइट। अब कंक्लूजन देखिए, ऑल पेन्स आर बाउल, दिख रहा है हमें, करेक्ट है, ठीक है। और ऑल कप्स आर पॉट, अब देखिए यहाँ पे पॉट आ गया, पॉट प्रिडिकेट के प्लेस पे आया है और इन दोनों में हमें कहीं पे भी पॉट नजर नहीं आया है, तो इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, तो इसलिए हमें मिला केवल एक ही ट्रू, कौन सा, कंक्लूजन नंबर फर्स्ट, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, जिसमें हमारा क्या था, ओनली फर्स्ट फॉलोज, तो आंसर देखिए फोर्थ का ए गिवन है, राइट, समझ में आ गया होगा, दोनों बहुत ईजी है। फिफ्थ नंबर का देखिए, फिफ्थ नंबर में क्या बोल रहे हैं, ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज, जितने भी हमारे स्टूडेंट है, ये हमारे स्टूडेंट है और वो क्या है, बॉयज है, यानी कि जितने भी स्टूडेंट है वो हमारे सिर्फ बॉयज है, गर्ल्स नहीं है। नो बॉय इज डल, अब जितने भी हमारे बॉय है वो क्या है, डल नहीं है, मैं इसको नीचे बना रही हूँ इस तरह से और ये मैंने क्रॉस कर दिया क्योंकि ये स्टेटमेंट नो का है, राइट। अब देखिए कंक्लूजन, देयर आर नो गर्ल्स इन द क्लास, देखिए यहाँ पे लिखा है जितने भी स्टूडेंट है वो क्या है, बॉयज है, तो ट्रू हो गया, ऑब्वियसली गर्ल्स नहीं है क्लास में। फिर नो स्टूडेंट इज डल, क्योंकि इसमें बोला है कि जितने भी बॉय है वो डल नहीं है और जो बॉय है वो सारे के सारे स्टूडेंट है, तो हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली कि स्टूडेंट जो है वो क्या है, डल नहीं होंगे, तो ये भी हमारा ट्रू हो गया, राइट। तो क्या हो गया इसका मतलब, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो कनेक्शन है ना वो बॉय से है, राइट। अगर यहाँ पे कनेक्शन स्टूडेंट से होता और अगर वो बॉय के बारे में पूछता तो हम जवाब नहीं दे सकते थे, लेकिन क्योंकि कनेक्शन इसका बॉय से हो रहा है और बॉय जो है वो स्टूडेंट को इंक्लूड करता है अपने अंदर, इसीलिए हम कह सकते हैं कि नो स्टूडेंट इज डल, राइट। तो आंसर हो जाएगा दोनों ट्रू है, तो बोथ फॉलोज, बोथ का ऑप्शन था ई, देखिए बोथ का ऑप्शन मैंने आपको बताया था ई है, यहाँ पे देखिए
बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज, तो हमें क्या टिक करना है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 5 का ई, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिक्स नंबर का क्या है, सम कैट्स आर किटन, राइट। देखिए सम, सम का क्या बताया था मैंने, ये हमारी कैट हो गई है और ये हमारी किटन हो गई है, और ये पोर्शन सम का जो कि दोनों को कॉमन है। ऑल रेट्स आर किटन, अब जितने भी रेट है वो भी किटन है, तो हमने इसके अंदर एक रेट बना दिया, ये इसके अंदर है, देखिए ध्यान रखिएगा पूरा इसके अंदर है। कंक्लूजन देखते हैं, सम कैट्स आर रेट्स, कोई डायरेक्ट कंक्लूजन हम जब तक नहीं कह सकते जब तक हमें स्टेटमेंट में मेंशन नहीं हो, तो हम इसके लिए श्योर नहीं है, ठीक है, नॉट श्योर कह देते हैं हम इसको अभी। फिर सम रेट्स आर कैट, सम रेट्स आर कैट, देखिए सेम टू सेम वाला क्वेश्चन हमने पीछे भी देखा था जिसमें दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट वाले स्टेटमेंट थे। जब हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते तो ऑब्वियसली हम इसके बारे में भी कुछ नहीं कह पाएंगे, ठीक है, तो इसका मतलब हम दोनों के बारे में श्योर नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज, ऑप्शन नंबर इज डी, तो आंसर हमारा डी, राइट। ईजी था, बिल्कुल सेम रिपीट हुआ है पीछे भी ऐसा, तो आप लोग देख लीजिएगा, रिपीटेशन भी है यहाँ पे। ओके नाउ कम टू सेवेंथ, ऑल नेम्स आर डॉग, जितने भी हमारे नेम्स हैं ये नेम को ऐसे डिनोट किया वो क्या है, हमारे डॉग है, तो ये हमने डॉग बना दिया। और सेकेंड स्टेटमेंट है, नो डॉग्स आर फॉक्स, जो भी डॉग है वो क्या है, डॉग से कनेक्शन है, इसलिए हम कनेक्शन यहीं से बनाएंगे, ठीक है, नो डॉग्स क्या है ये हमने बना दिया फॉक्स। डायग्राम समझ में आ गया हो कैसे बन रहा है वेन डायग्राम, तो अब तो आपने प्रैक्टिस भी कर ली होगी, आई होप आपको समझ में भी आने लगे होंगे अब तो। देखिए अब कंक्लूजन क्या है, ऑल नेम्स आर फॉक्सेस, बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जब ये डॉग जो है वही फॉल्स फॉक्स नहीं है, तो नेम तो डॉग में इंक्लूड होता है, तो ऑब्वियसली ये नहीं होगा, ये डेफिनेटली इनकरेक्ट है। देन नो डॉग्स आर नेम्स, नो डॉग्स आर नेम्स, ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि सम डॉग्स नेम्स है, क्योंकि डॉग में नेम इंक्लूड है, तो कुछ डॉग्स तो आएंगे जो कि नेम में होंगे, हम नो तो डायरेक्टली नहीं कह सकते। हाँ हम ये कह सकते हैं कि सम डॉग्स आर नॉट नेम्स, बट सम, हम नो में तो हमने क्या किया, सबको ही मना कर दिया, ठीक है, तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या कहता है, नाइदर फर्स्ट नोर सेकेंड फॉलोज, राइट, समझ में आ गया होगा। चलिए एट्थ पे देखते हैं, एट्थ क्या बोल रहा है, ऑल पेन्स आर डॉग्स, तो हमने बनाया पहले पेन, ऑल वाला है तो ऑल का पहले पेन बनाया, और सारे पेन क्या है, डॉग है, तो हमने यहाँ पे डॉग डी से डिनोट कर दिया। देन सम पेन्स आर लाइट, सम पेन्स जो है वो क्या है, लाइट है, तो हमने यहाँ पे लाइट को डिनोट कर दिया, और ये सम वाला पोर्शन इनका कॉमन हो गया, ठीक है, ईजी है इसका भी डायग्राम, फटाफट से बनने लग गया तो डायग्राम। कंक्लूजन देखिए, सम डॉग्स आर लाइट, ऑब्वियसली सम डॉग्स आर लाइट दिख रहा है हमें यहाँ से, ये वाला पोर्शन डॉग का कवर हो रहा है, तो ये ट्रू हो गया। सम लाइट्स आर नॉट डॉग, और ये भी हमें ट्रू लग रहा है, कैसे, कि यहाँ पे सम डॉग जो ये वाले जो डॉग हैं वो लाइट नहीं है, ठीक है, ट्रू लग रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आना चाहिए था, बोथ फॉलोज वाला। लेकिन गाइस एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग फ्रेंड्स, कि जब भी हमें दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव मिलते हैं तो हम उनका जो कंक्लूजन बनाएंगे वो भी पॉजिटिव ही बनाएंगे, इसीलिए यहाँ पे सम लाइट आर नॉट डॉग्स फॉलो नहीं होगा, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, हम जो रिमेनिंग पोर्शन बच गया हमें सिर्फ इतना पता है कि ये पोर्शन इसमें आ रहा है इसलिए लाइट का है, लेकिन जो रिमेनिंग बच गया है उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर आपको इस तरह समझ में नहीं आ रहा हो तो इस तरह समझ लीजिए कि जब भी हमें दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव मिलते हैं तो उनका कंक्लूजन डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा, हम नेगेटिव को टिक नहीं करेंगे, इसलिए आंसर विल बी ए फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि ओनली फर्स्ट फॉलोज, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन, सम एनिमल्स आर क्लाउड्स, यानी कि ये हमारे सम एनिमल्स हो गए और ये हमारे क्या है, सम एनिमल्स क्लाउड है, और ये सम का कॉमन पोर्शन। हॉर्स इज अ एनिमल, और हॉर्स क्या है, एनिमल है, तो हॉर्स को हमने यहाँ बना दिया, ये हमारा हॉर्स हो गया। फिर देखिए सम क्लाउड्स आर एनिमल, हमें दिख रहा है यहाँ पे सम क्लाउड्स आर एनिमल है, तो ये हमारा ट्रू हो गया। हैन इज नॉट अ क्लाउड, अब देखिए अगेन हैन से हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट में हैन कहीं गिवन नहीं है, तो हम इस स्टेटमेंट के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या रिलेशन होगा दोनों के बीच में, राइट, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलोज, ऑप्शन नंबर ए, राइट। चलिए आगे देखते हैं टेंथ नंबर का, ऑल टेबल्स आर रेड्स, जितनी भी हमारी टेबल है वो क्या है, रेड है, तो हमने यहाँ पे आर रेड बना दिया। सम रेड्स आर चेयर्स, अब जो कुछ रेड्स हैं वो क्या है, हमारी चेयर्स हैं, राइट। अब कंक्लूजन देखिए, ऑल रेड्स आर टेबल, ऑल तो नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी है ये बीच वाली, बाकी की तो नहीं है, तो ये हमारा फॉल्स हो गया।
फिर सम चेयर्स आर नॉट रेड, सम चेयर्स आर नॉट रेड, ये हमें ट्रू लग रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने पहले क्या कहा था कि अगर हमारे दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव को टिक नहीं करेंगे। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि सम रेड आर चेयर, लेकिन रिमेनिंग जो है वो है या नहीं है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आंसर हमारा पॉजिटिव ही होना चाहिए, नेगेटिव हम लोग नहीं लेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 10th का। अच्छा एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे मेंशन है ऑल रेड्स आर टेबल्स, ये भी गलत हो गया हमारा। तो दोनों ही जब गलत हो गए तो क्या आ जाएगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 11 पे। 11 क्या कह रहा है, ऑल टाइगर्स आर बर्ड, जितने भी हमारे टाइगर है ये हमने बना दिया टाइगर, ये क्या है बर्ड है, ये हमने बना दी यहाँ पे बर्ड, राइट। फिर सम बर्ड्स आर काओ, सम बर्ड क्या है हमारी काओ है, ये हमने बना दी काओ। इजी इजी है सारे डायग्राम, बहुत आप लोग के वैसे भी लेवल इतना हाई नहीं है, अदरवाइज में फोर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी बनते हैं जिनका थोड़ा कॉम्प्लिकेट होते हैं वो, ठीक है। तो आप लोग के टू स्टेटमेंट टू कंक्लूजन के आ रहे हैं और वो बहुत ईजी हो जाते हैं, राइट। अगर आपको वेन डायग्राम अच्छे से बनाना आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन वेन डायग्राम में गड़बड़ मत कीजिएगा, इसलिए पहले उसको अच्छे से बनाना सीखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कंक्लूजन देखते हैं अब इसका। सम काउज आर बर्ड्स, सम काउज आर बर्ड्स हमें दिख रही है, ये वाला कॉमन पोर्शन है तो ये हमारा ट्रू हो गया। सम टाइगर्स आर काउ, सम टाइगर आर काउ, मे बी और मे नॉट बी, हम कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं। रीजन, अगर हमने इस तरह से डायग्राम बनाया तो नहीं है, लेकिन अगर हमने इस तरीके से बना दिया, ये टाइगर हो गया, ये हमारा क्या था बर्ड हो गया, और ये हमारी हमारी कैट हो गई, तो ये हमारा हो सकता है, लेकिन हम श्योर तो नहीं है। हमने ये डायग्राम क्यों चूज किया, क्योंकि हमें टाइगर और काऊ में डायरेक्ट रिलेशन गिवन नहीं था, तो हमने सिर्फ बर्ड और काऊ को लेके बनाया है डायग्राम, ठीक है। तो इसलिए इसके बारे में हम श्योर नहीं है, तो आंसर आ जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलोज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, राइट। ईजी है, आप लोग को लग रहे होंगे ईजी आई थिंक, और आई होप को समझ में भी आ रहे होंगे। चलिए 12th देख लेते हैं फटाफट से। ऑल पेपर्स आर पेन, जितने भी हमारे पेपर्स हैं वो क्या है पेन है, मतलब ये हमारे हो गए क्या पेपर, और ये हमारे क्या हो गए पेन। ऑल पेन्स आर इरेजर, जितने भी सॉरी ये पीपी से कंफ्यूज हो जाएंगे आप, इसलिए मैं इसको पेपर को कर रही हूँ पी आर और पेन को कर रही हूँ पी एन, ठीक है। ऑल पेपर्स आर पेन, राइट। फिर जितने भी हमारे पेन है वो क्या है इरेजर है, तो इसके बाहर एक आउटर सर्किल आ जाएगा इरेजर वाला, राइट। कंक्लूजन देखिए, सम इरेजर आर पेपर्स, सम इरेजर आर पेपर्स, नो नॉट ट्रू, ठीक है। सम पेन्स आर नॉट पे नो पेपर्स, सम पेन्स आर नो पेपर, बिल्कुल ये ट्रू है, लेकिन स्टेटमेंट थोड़ी सी गड़बड़ है, मतलब यहाँ पे थोड़ा मेन सम पेन्स आर नॉट पेपर्स तरह से होना चाहिए था, तो ये हमारा ट्रू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सम इरेजर्स आर पेपर्स, जितने भी हमारे इरेजर है, अच्छा यहाँ पे मेंशन है सम, सॉरी सॉरी मेरे को लगा ऑल का है ये, देखिए यहाँ पे क्या मेंशन है, सम इरेजर आर पेपर, तो सम तो दिख रहा है, कौन सा सम, यानी कि ये सेंटर वाला सम, ये इरेजर में भी इंक्लूड हो रहा है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। गाइस मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, मुझे यहाँ पे लगा कि ऑल की बात हो रही है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे सम की बात है। सम इरेजर्स आर पेपर्स बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि हमारा ये वाला जो सेक्शन है ये इरेजर में इंक्लूड हो रहा है, ये बिल्कुल ट्रू है। सेकेंड है सम पेन्स आर नो पेपर्स, सम पेन्स आर नो पेपर्स, ठीक है, ये भी दिखने में तो ट्रू लग रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा अगर दोनों स्टेटमेंट हमारे पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव को बिल्कुल भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ओनली फर्स्ट फॉलो करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कई बार आपको लगेगा कि ना दोनों स्टेटमेंट जो है वो ट्रू लगते हैं, लेकिन हम ध्यान रखिएगा ये वाला बिल्कुल बेसिक है कि अगर स्टेटमेंट हमारे पॉजिटिव है तो नेगेटिव को हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे, ठीक है। अब देखने पे यहाँ पे सही लग रहा है, तो इसके हिसाब से बोथ आ जाना चाहिए था, यानी कि ऑप्शन ई, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव आ गया यहाँ पे तो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए फिर भी कई बार एक्सेप्शन केसेस हो जाते हैं जहाँ पे हमें लेना पड़ता है, ठीक है, तो वो केसेस अगर आपके मॉड्यूल में होंगे तो हम उनको देख लेंगे, अदरवाइज आपके अगर है ही नहीं इतना लेवल हाई तो हम लोग उसको डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें वही पढ़ना है जो हमें एग्जाम क्लियर करवा सके, ठीक है। क्योंकि आप लोग का मेन जो रहेगा वो तो कॉमर्स अकाउंट्स वगैरह का रहेगा, ये तो आपके जस्ट एप्टीट्यूड है आपके आईक्यू लेवल को चेक करने के लिए, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। 13th नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, सम ट्रीज आर मंकी, ये हमने बना दिया ट्री और ये हमने बना दिया मंकी, और ये सम वाला कॉमन पोर्शन। सम शिप्स आर ट्री, अब सम शिप्स आर ट्री, तो ये हमने बना दिया शिप,
राइट, ये कॉमन पोर्शन हो गया। अब कंक्लूजन देखिए, सम मंकीज आर शिप्ड, इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन कुछ नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कह सकते अभी। सम ट्रीज आर नाइदर शिप नॉर मंकी, ठीक है, ये हमें ट्रू लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये इस तरह से है। लेकिन ये इस तरह से भी हो सकता है कि ट्री ये हो हमारा और ये हमारा हो जाए शिप और ये हमारा हो जाए मंकी। तो ट्री का ऐसा पोर्शन है कोई बचा ही नहीं है जो कि ना तो शिप हो ना मंकी हो, ठीक है। तो डायग्राम पर डिपेंड करेगा, लेकिन हम क्लियरली इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, ना तो हम इसके बारे में कह सकते हैं ना हम इसके बारे में कह सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज। जब भी दो डायग्राम आ जाते हैं ना, तब या तो आइदर और आ जाएगा या फिर नाइदर नॉर आ जाएगा, क्योंकि हम श्योर किसी एक के बारे में तभी होंगे जब हमें सिर्फ एक ही चीज गिवन होगी। जब हमें मल्टीपल चॉइसेस मिल गई है, जैसे यहाँ पे हमें दो चॉइस मिल गई है, अब दोनों में से इस तरह से बन सकता है इस तरह से बन सकता है, तो हम श्योर नहीं है तो हम उसको बिल्कुल नहीं लेंगे। लेकिन जहाँ सिर्फ एक ही डायग्राम बन रहा है और सिर्फ वही तरीका है एक, तो हम उसके साथ में श्योरिटी से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आप अच्छे से ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ के फिर करिएगा। 14 नंबर का देखिए, ऑल ग्लासेस आर मिरर्स, जितने भी हमारे ग्लासेस हैं वो क्या है, मिरर्स है। तो ये हमने बना दिया आउटर में मिरर। सम मिरर्स आर ब्लैक, सम मिरर्स को हमने बना दिया यहाँ पे ब्लैक। आप कंक्लूजन देखिए, ऑल मिरर्स आर ग्लासेस, ऑल मिरर ग्लासेस दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ यही पोर्शन तो है मिरर का, ठीक है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। सम ग्लासेस आर ब्लैक, ग्लास से ब्लैक का डायरेक्ट रिलेशन स्टेटमेंट में गिवन नहीं है, तो हम भी अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बना सकते, तो ये भी हमारा फॉल्स हो गया। तो ऑप्शन दोनों गलत हो गए, तो ऑप्शन आ जाएगा डी, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज। 15 नंबर का देखिए, सम डॉग्स आर मंकी, सॉरी, सम डॉग्स आर मंकी, ये हमने बनाए हैं डॉग और ये हमने बना दिया यहाँ पे मंकी। नो मंकी इज अ ब्लैक, ये हमने बनाया यहाँ पे ब्लैक और हमने क्रॉस कर दिया। अब देखिए कंक्लूजन, सम डॉग्स आर ब्लैक, सम डॉग्स आर ब्लैक, हम लोग डायरेक्टली कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि कोई कनेक्शन ही नहीं है इन दोनों का स्टेटमेंट में, तो हमने इसे क्रॉस कर दिया। सम मंकीज आर डॉग, सम मंकीज आर डॉग, ये हमें ट्रू लग रहा है। देखिए यहाँ पे सम मंकीज आर डॉग है, तो ओनली सेकेंड फॉलोज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ईजी था ये भी। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन। ऑल रोड्स आर पोल्स, ऑल रोड, ये हमारी रोड है, ये क्या है, पोल है। नो पोल्स आर बंगलो, बंगलो, तो ये हमारा बंगलो हो गया और क्रॉस कर दिया, मतलब इसमें इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। कंक्लूजन देखिए, सम रोड्स आर बंगलो, रोड और इसके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है ही नहीं, तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। सम बंगलो आर पोल्स, सम बंगलो आर पोल्स नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे कहा है नो पोल्स आर बंगलो, तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज ऑप्शन नंबर डी, राइट। नाउ 17 देखिए, मैनी एक्टर्स आर डायरेक्टर्स। अब देखिए यहाँ पे वर्ड आ गया मैनी, मैंने आपको कुछ हिडन वर्ड बताए थे, आपको याद हो अगर, हिडन में मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे मैनी, अलोन, ओनली, ये हमें हिडन में इंक्लूड करने होते हैं, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अब अगर मैनी आ गया है तो मैनी को हम कैसे लेंगे, सम में लेंगे। मैनी एक्टर्स आर डायरेक्टर, यानी कि ऑल तो नहीं हो सकते, ठीक है। तो इस तक को किस तरह से बनाएंगे, 17 के डायग्राम को हम बनाएंगे मैनी एक्टर्स आर डायरेक्टर, यानी कि सम एक्टर्स आर डायरेक्टर। मैनी मतलब बहुत सारे हैं, सम से ज़्यादा मान सकते हैं लेकिन पूरे नहीं है, ठीक है। तो सम एक्टर, ये हमने बना दिया एक्टर, ये क्या है, हमारे डायरेक्टर है, ठीक है। ऑल डायरेक्टर्स आर डांसर्स, आप जितने भी डायरेक्टर हैं, ये डायरेक्टर को मैं डी आर से डिनोट कर रही हूँ, जितने भी डायरेक्टर हैं वो क्या है, हमारे डांसर है, तो ये हमारे डांसर हो गए डी एन से, ठीक है। इस तरह का डायग्राम बन जाएगा, ये एक्टर हो गया, मैनी डिनोट करता है सम को, तो हमने सम वाला बना दिया, और जितने भी डायरेक्टर है वो क्या है, हमारे डांसर है, तो इस तरह से हमने बना दिया, ठीक है। अब देखिए, सम एक्टर्स आर डांसर्स, सम एक्टर्स आर डांसर्स ऑब्वियसली दिख रहा है हमें, ट्रू है। नो डायरेक्टर इज एन एक्टर, नो डायरेक्टर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे क्या मेंशन है, एक्टर और डायरेक्टर के बीच में, कि मैनी यानी कि सम, तो नो तो हो ही नहीं सकता, हम यूनिवर्सली तो इसको फॉल्स नहीं कर सकते, कुछ पोर्शन तो है ही, तो ये हमारा गलत हो गया। आंसर आएगा ओनली फर्स्ट, यानी कि ओनली फर्स्ट फॉलोस, यानी कि ऑप्शन ए, राइट। चलिए 18 देखिए, ओनली डॉग्स आर एनिमल्स, ओनली, अब देखिए यहाँ पे कीवर्ड आया है ओनली, ओनली को हम कैसे लेंगे, ऑल, लेकिन स्टेटमेंट में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की प्लेसेस को चेंज कर देंगे, तो स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, ऑल एनिमल्स आर डॉग।
अब अगर ये स्टेटमेंट आता है तो आप क्या कर दोगे, इस तरह से ऑल बना दिया हमने ये एनिमल और ये हमारा हो गया डॉग। नो हिस्टोरियन इज एन एनिमल, एनिमल से लेना है इस बार, डॉग से नहीं लेना है, तो ये हमारा नो करके हमने हिस्टोरियन बना दिया। अब कंक्लूजन देखिए, सम डॉग्स आर नॉट हिस्टोरियन, सम डॉग्स आर नॉट हिस्टोरियन, बिल्कुल कौन से डॉग्स जो कि इस एनिमल के बाहर है, ठीक है, वो हिस्टोरियन नहीं होंगे, तो ये ट्रू हो गया हमारा स्टेटमेंट। फिर सम हिस्टोरियंस आर नॉट डॉग्स, अब ये हिस्टोरियन और डॉग के बीच में पूछा है, जबकि हमें डायरेक्ट रिलेशन हिस्टोरियन एनिमल के बीच में गिवन है, तो हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। जहां हमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिल रहा है तो हम अपने आप से कुछ भी स्टेटमेंट नहीं कह सकते, तो हमें क्या मिलेगा, ओनली फर्स्ट फॉलो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 19th पे आते हैं। 19th क्या कह रहा है, सम चेयर्स आर कैप्स, यहाँ पे हमारी कुछ चेयर्स है वो क्या है, कैप है, तो ये हमारा कॉमन पोर्शन हो गया। नो कैप इज रेड, अब कोई भी कैप जो है वो रेड नहीं है, हमने क्रॉस कर दिया। कंक्लूजन देखिए, सम कैप्स आर चेयर्स, दिख रहा है हमें सम कैप्स आर चेयर्स, ठीक है। नो चेयर इज रेड, अब रेड का कनेक्शन जो है कैप से है, चेयर से नहीं, हमें ये पता चल गया सम जो है वो तो रेड नहीं होगी, लेकिन इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, तो हम इस कंक्लूजन के बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि कैप का रिलेशन जो है रेड से गिवन है, चेयर से नहीं गिवन है, सॉरी रेड का रिलेशन जो है कैप से है, चेयर से नहीं गिवन है स्टेटमेंट में, तो हम अपने आप से कुछ भी नहीं मेंशन करेंगे, तो ओनली फर्स्ट फॉलोज, क्योंकि ये हमें सही पता है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहे होंगे आपको। फिर देखिए 28th नंबर का, सम कर्व्स आर बेल्ट, ये हमने बनाया कर्व और ये हमने बनाया बेल्ट। सम कर्व्स आर बेल्ट हो गए। फिर नो बेल्ट इज ब्लैक, ये हमने बनाया इधर से नो वाला और ये हमारा हो गया ब्लैक, ये नो वाला क्रॉस लगा दिया। कंक्लूजन पे देखिए, सम कर्व्स आर ब्लैक, सम कर्व्स आर ब्लैक, ये हमें सॉरी यहाँ पे बेल्ट को मैं बी टी से डिनोट कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा, और ब्लैक को मैं बी के से डिनोट कर देती हूँ, राइट। अब देखिए, नो बेल्ट इज ब्लैक, राइट। अब देखिए, सम कर्व्स आर ब्लैक, सम कर्व्स आर ब्लैक, यानी कि इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछा है, जबकि स्टेटमेंट जो है ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते इसके बारे में। फिर सम कर्व्स आर नॉट ब्लैक, ये हम कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो कप जो कि इसके अंदर है वो ब्लैक नहीं होंगे, क्योंकि वो क्या है, बेल्ट है, ठीक है, तो इसके बारे में हम श्योरली कह सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो ब्लैक होंगे या नहीं होंगे, डायरेक्ट रिलेशन गिवन नहीं है, जैसे मैं कहती हूँ कि डायरेक्ट रिलेशन गिवन नहीं होता तो अपने आप से कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन वेन डायग्राम से हमें इतना पता चल रहा है कि ये जो पोर्शन जो कि बेल्ट में आ रहा है वो ब्लैक नहीं होगा, लेकिन जो रिमेनिंग पोर्शन है उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, इसीलिए सम कर्व्स आर ब्लैक वाला फॉल्स हो जाएगा और ये हमारा ट्रू हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली सेकेंड फॉलोअर्स, राइट। देखिए अब 21 नंबर, सम गर्ल्स आर फ्लावर्स, गर्ल्स फ्लावर्स होती है, ठीक है, सम क्या ऑल गर्ल्स ही फ्लावर्स होती हैं, तो ये हमारी हो गई गर्ल्स और ये हमारे हो गए फ्लावर्स, ये कॉमन पोर्शन। सम फ्लावर्स आर बुक, और सम फ्लावर्स जो है वो क्या है, हमारे बुक है, ये कॉमन पोर्शन हो गया। कंक्लूजन देखिए, सम गर्ल्स आर बुक, गर्ल्स और बुक के बीच में हम कुछ नहीं कह सकते, तो हमारा फॉल्स हो गया। नो बुक्स आर गर्ल्स, नो बुक्स आर गर्ल्स, अब देखिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अब देखिए अगर हमने डायग्राम इस तरीके से बनाया है तो ये वाला ट्रू हो जाएगा, नो गर्ल्स आर बुक्स, लेकिन अगर डायग्राम हमने इस तरह से बना दिया, ये हमारा हो गया फ्लावर्स, ये हमारा हो गया गर्ल्स और ये हमारा हो गया बुक, तो गर्ल्स और बुक के बीच में रिलेशनशिप हो गया ये वाला, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सम गर्ल्स जो है वो बुक हो गई, ठीक है। तो लेकिन इस केस में अब ये वाला फॉलो नहीं हो रहा है, नो बुक्स आर गर्ल्स, तो अगर जो भी इसके पॉसिबल केस बनते हैं वो दो ही बनते हैं, एक तो ये और एक ये, ठीक है, तो दोनों पॉसिबल केस में एक में ये ट्रू हो रहा है एक में ये वाला ट्रू हो रहा है, तो हम ये कहेंगे आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, दोनों एक साथ कभी ट्रू नहीं होंगे। अगर हम इस पे जाते हैं तो हमारा कौन सा ट्रू होता है, सेकंड वाला, अगर हम इस पर जाते हैं तो हमारा फर्स्ट वाला ट्रू होता है, लेकिन एक साथ दोनों ट्रू कभी नहीं होंगे, तो हम इसमें आंसर देंगे आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। समझ में आया होगा आपको आइदर और कब आएगा, जब हमारे पास चॉइसेस ज्यादा होती है और दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं होगी, तब हम कहेंगे आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए 22 पे देखते हैं क्या कह रहा है 22।
फाइल्स आर, ये फाइल्स शायद गलत हो गया है, फ्लाई होना चाहिए, फिर भी चलें देखते हैं जो भी है। सम फाइल्स आर रेड, ये हमारा हो गया फाइल और ये हो गया हमारा रेड और ये हमारा कॉमन कॉमन पोर्शन है। ऑल एनिमल्स आर रेड, अब जितने भी एनिमल हैं वो रेड है तो मैंने इसके अंदर एक एनिमल को लगा दिया है। अब देखिए कंक्लूजन क्या है, ऑल फाइल्स आर रेड, ऑल फाइल्स आर रेड बिल्कुल नहीं है क्योंकि यहाँ पे सम मेंशन है, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सम रेड्स आर एनिमल, सम रेड्स आर एनिमल ऑब्वियसली ट्रू है, ठीक है, ऑल नहीं है, देखिए सम वाला ही होगा क्योंकि सिर्फ इतना पोर्शन होगा, तो ये ट्रू हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ओनली सेकेंड फॉलोज। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 23। ऑल क्रिकेटर्स आर टॉल, जितने भी हमारे क्रिकेटर हैं वो क्या है, टॉल है, तो हमने इनको टॉल कर दिया। राजेश इज अ टॉल, राजेश जो है वो यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि वो टॉल बंदा है। अब जरूरी नहीं कि वो क्रिकेटर हो, ठीक है, तो राजेश इज अ क्रिकेटर हम कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं। राजेश इज नॉट ए क्रिकेटर ये भी हो सकता है, तो क्या होगा, आइदर या तो वो होगा या वो नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये तो देखने पे ही पता लग रहा है, इसमें तो ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा, ठीक है, तो बहुत इजी वाला क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए, राइट। चलिए 24 देख लेते हैं। सम कैट्स आर काउ, ये हमारी हो गई कैट और ये हमारे हो गए काउ। अब कंफ्यूजन के लिए हम पूरा लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि सी सी से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं। ऑल काउज आर हॉर्सेस, और जितनी भी हमारी काउ है वो क्या है, हॉर्स है, ठीक है। देखिए स्टेट कंक्लूजन, ऑल हॉर्सेस आर कैट, हॉर्स और कैट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ठीक है, लेकिन ऑल तो नहीं हो सकती, देखिए यहाँ पे है सम, सम हॉर्स आर कैट हो सकते हैं क्योंकि ये जो पोर्शन है जो काउ में आता है वो हॉर्स में भी आ रहा है, तो ये हमारा ट्रू हो सकता है ना। फिर क्या है, सम कैट्स आर हॉर्सेस, मतलब ये क्या ट्रू होगा हमारा डेफिनेटली क्योंकि ये कॉमन पोर्शन दोनों में आ रहा है। फिर है सम कैट्स आर हॉर्सेस, ऑब्वियसली इसका ये तो अपोजिट हो गया, तो ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, यानी कि इसमें दोनों ट्रू है, तो आंसर आ जाएगा ई, बोथ फॉलोज, ठीक है, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज, ईजी है ये वाला, ठीक है। 25th देख लीजिए फटाफट से, 25th हमारा जो है वो क्या कह रहा है, ऑल साइंटिस्ट आर हार्ड वर्किंग, जितने भी हमारे साइंटिस्ट है वो क्या है, हमारे हार्ड वर्किंग है, ठीक है। फिर नो साइंटिस्ट आर सुपरस्टिशियस, अब कोई भी साइंटिस्ट जो है वो क्या है, सुपरस्टिशियस नहीं है, ठीक है, तो कंक्लूजन देखिए, नो साइंटिस्ट आर सुपरस्टिशियस, यहाँ पे था नो साइंटिस्ट आर सुपरस्टिशियस, सेम दिया है नो साइंटिस्ट आर सुपरस्टिशियस। मैंने अपने लास्ट सेक्शन में बताया था कि अगर सेम स्टेटमेंट कंक्लूजन में एज इट इज आ जाता है तो कई जो ऑथर है या फिर कई उनको कई जो है ऑथर्स उनको करेक्ट मानते हैं, कई उनको फॉल्स मानते हैं। मैंने 3-4 जगह इनको स्टडी किया है, कई बुक्स में ट्रू गिवन है, कई बुक्स में फॉल्स गिवन है, लेकिन आपके मॉड्यूल के अकॉर्डिंग ये क्या है, ट्रू गिवन होता है। मॉड्यूल में जो आपके सॉल्व एग्जाम्पल गिवन है उनके अकॉर्डिंग अगर स्टेटमेंट सेम टू सेम एज अ कंक्लूजन आ जाता है तो वो ट्रू माना गया है, तो हम यहाँ पे उसको ट्रू ही मानेंगे, ठीक है। फिर ऑल सुपरस्टिशियस आर नॉट साइंटिस्ट, जितने भी सुपरस्टिशियस है वो क्या है, हमारे साइंटिस्ट नहीं है, दिख ही रहा है वो तो, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्रॉस लग रहा है, ठीक है, तो ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, बोथ फॉलोज, ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन सेकेंड, तो हमारा ई ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑल 25 क्वेश्चन थे आपके मॉड्यूल के अनसॉल्व जो हमने डिस्कस किए हैं, और आपको आई होप समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।